जब फैमिली छोटी होती है तो आपको अगर कहीं जाना है तो आप बाइक या स्कूटर से भी जा सकते हैं, लेकिन जब फैमिली बड़ी हो जाती है तब बाइक और स्कूटर से काम नहीं चलता है, तब आपको गाड़ी की जरूरत होती है, यानी कि फोर व्हीलर की जरूरत होती है। फोर व्हीलर तो लेना चाहते हैं लेकिन बजट इतना ज्यादा नहीं है कि हम नई गाड़ी खरीद पाए। हम ढूंढते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढने के लिए क्या हम जाते ही गाड़ी ले लेते हैं या फिर हम वही पुरानी गाड़ी देखना पसंद करेंगे या कुछ नया मॉडल देखना पसंद करते हैं? हम ढूंढते हैं कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो, गाड़ी का मॉडल इतना ज्यादा पुराना ना हो, गाड़ी का मॉडल नया हो, एवरेज अच्छा देती हो और गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी हो। तो यही हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम चाहेंगे कि हम 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ी ले। यही चीज होती है इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कस्टमर सोचता है। जब कस्टमर पॉलिसी लेने के बारे में सोचता है तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसको 10 साल 15 साल पुरानी पॉलिसी मिले, वो चाहता है कि उसको कुछ नई पॉलिसी मिले, जो पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट हो, जो पॉलिसी वो पहली बार सुने। ऐसा हर कोई कस्टमर लेना चाहता है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को सिर्फ वही 8-10 पॉलिसी रिपीट करते रहते हैं। आज कोई एडवाइजर उस कस्टमर को फोन कर रहा है वो भी जीवन लाभ बता रहा है, दूसरा एडवाइजर कॉल करेगा वो भी जीवन लाभ या जीवन लक्ष्य बता रहा है। इसी तरीके से वो कस्टमर पक चुका है ये सब पॉलिसी सुनते सुनते, जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य पक चुका है। अगर आप उसको इन्हीं पॉलिसी के लिए कॉल करेंगे तो वो चाहेगा कि उसको कुछ नया मिले, तो आप उसको नया कहां से देंगे? LIC के पास तो सिर्फ वही गिनी चुनी पॉलिसी है, आप उन्हीं पॉलिसी में से उसको पॉलिसी बताएंगे। तो अगर आप कस्टमर को कुछ नया बताना चाहते हैं तो आपको आज सीखना है कि किस तरीके से आप कस्टमर को नई पॉलिसी बता सकते हैं, वो पॉलिसी जो उसने कभी सुनी ना हो पहले, पहली बार वो इस पॉलिसी सुनेगा और उसको ये पॉलिसी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, हो सकता है वो पॉलिसी खरीद ले। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी पॉलिसी है, कैसे हम उसको पहली बार ऐसी पॉलिसी बताएंगे जो उसने ना सुनी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों, हम बात करते हैं रियलिटी की। एक एजेंट एक कस्टमर के पास जाता है जिसकी एज 35 ईयर है, उस कस्टमर की एज 35 ईयर है और ये कस्टमर एजेंट को टाइम देता है 2 महीने तक फॉलोअप करने के बाद, यानी कि 2 महीने तक ये एजेंट इस कस्टमर को रेगुलर फोन करता रहता है। तो कस्टमर इसको टाइम दे देता है कि भाई आप आ जाइए, आप पॉलिसी समझा दीजिए। अब ये एजेंट जाता है और उसको वही पॉलिसी बताता है जो पॉलिसी वो 10 बार सुन चुका है, 10 times वो पॉलिसी सुन चुका है। वो कहता है यार ये पॉलिसी तो पुरानी पॉलिसी है, मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, कुछ नया बताओ। अगर कोई मार्केट में कुछ नया आया तो, अगर कुछ नया है तो मैं सोच सकता हूं पॉलिसी लेने के लिए, नहीं तो ये पुरानी पॉलिसी तो मेरे पास ऑलरेडी चल रही है, मुझे नहीं चाहिए पॉलिसी। तो अब आप कौन सी पॉलिसी उसको बताएंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप उसको कुछ नया बनाकर देंगे? अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। कस्टमर कह रहा है यार ये सब पॉलिसी मैंने सुनी हुई है, आप जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग सब पॉलिसी बता चुके हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया दीजिए, कुछ नया अगर आपके पास है तो आप मुझे बताइए। आप कहते कि हाँ सर बिल्कुल मेरे पास ऐसा नया प्लान है। कौन सा प्लान है बताइए? सर एक ऐसी पॉलिसी है जो पॉलिसी आपने आज तक सुनी नहीं होगी, आज तक किसी एडवाइजर ने आपको ये पॉलिसी बताई नहीं होगी, ऐसी पॉलिसी आपको बता रहा हूं। सर ये पॉलिसी सुनते ही आप मना नहीं कर सकते पॉलिसी लेने के लिए, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार ये जो बता रहा है वाकई में बंदे में दम है, इसमें कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसे बोलेंगे सर मेरे पास तो कोई पॉलिसी नहीं है, सर यही पॉलिसी है, गिनी चुनी पॉलिसी है, सर कौन सी बताओ, सर यही पॉलिसी है LIC के पास तो बताओ, फिर वो लेगा। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज यही दिखाती कि आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कस्टमर को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? आप बोले कि हाँ सर मेरे पास ऐसा प्लान है जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्लान आपने सुना नहीं होगा सर आज तक, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये पॉलिसी आपने सुनी नहीं होगी जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूं।
वो बोलेगा हाँ बताइए क्या प्लान है। सर देखो मैं आपको जो प्लान बता रहा हूं ये प्लान ऐसा प्लान है जिसमें आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा। वो बोलेगा अच्छा डबल बेनिफिट, डबल बेनिफिट कैसे मिलेगा? आप बोलो कि सर जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूं इस पॉलिसी में आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर तो होगा ही होगा। क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस कवर तो होगा ही होगा, साथ में आपको इस पॉलिसी में गारंटेड रिटर्न भी मिलेंगे, गारंटेड रिटर्न भी मिलेंगे। अब वो बोलेगा यार क्या आपने कोई नई चीज थोड़ा ही बता दी, आप भी वही चीज बता रहे हो गारंटेड गारंटेड। सब लोग यही बताते हैं कि सर लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा और गारंटेड रिटर्न भी मिलेंगे। नहीं सर ये आपने नहीं सुना है, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपने सुना ही नहीं अब तक। इसके साथ साथ ये तो सर मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी होगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा 3 लाख का। अब वो सोचेगा यार हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आपका कहने का ये है कि मेरी पॉलिसी में मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, साथ में मुझे मैच्योरिटी पर गारंटेड रिटर्न भी मिलेंगे और मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी भी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी। यानी कि कल अगर पॉलिसी होल्डर बीमार हो जाता है और बीमार होने पर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है 24 आवर्स, तो वहां पर वो उसका ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाएगा। सर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर किसी को बुखार हो गया, डॉक्टर बोलता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, 3 दिन तक आपको हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा, तो 3 दिन में जितना भी आपका खर्चा होगा, मेडिसिन का खर्चा हो, आपका कोई आपके चेकअप हो वहां पे, राइट, लेबोरेटरी के टेस्ट हो कोई भी आपके, वो सारे चेकअप आपके बिल्कुल फ्री होंगे और वहां पर जो मेडिसिन वगैरह आएंगी वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी कि कैशलेस होगा, कोई पैसा आपको पे नहीं करना है, 3 लाख तक का आप क्लेम ले सकते हैं। अब कस्टमर बोलेगा अच्छा ऐसी पॉलिसी है LIC में? हाँ सर वही तो मैं बताना चाह रहा हूं सर, ये पॉलिसी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अब वो बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताओ कौन सी पॉलिसी है। यानी कि उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पॉलिसी सुनने में आएगा, क्योंकि ये पॉलिसी उसने नहीं सुनी अभी तक। सब लोग वही बता रहे थे सर इतना दो इतना मिलेगा, ये दोगे इतना मिलेगा, इतना मंथली देना, इतना क्वार्टरली देना, इतना पैसा आपको इतने साल के बाद मिलेगा, सब वही बताते जा रहे हैं। लेकिन ये वो पहली बार सुन रहा है, ये वाला प्लान वो पहली बार सुन रहा है। कस्टमर को बोलो कि सर देखो मैं आपको एक ऐसा प्लान दे रहा हूं जिसमें यहां पर आज आप हैं, राइट, आज यहां से आप प्लान लेते हैं और यहां पर आपको पैसा चाहिए 25 इयर्स पर। इसमें आपको हर साल पैसा जमा करना पड़ेगा, आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। देखिए सर इसमें जो पैसा आपको जमा करना है, कितना जमा करना है? ₹52,442 ये आपको पर ईयर जमा करना है, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम ये है। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो प्रीमियम होगा ये कितना होगा? ₹51,402 पर ईयर, ये आपको जमा करना है 16 साल तक। ठीक है, कितने साल तक जमा करना है? आपको 16 साल तक ये पैसा जमा करना है, उसके बाद आगे आपको कोई पेमेंट जमा नहीं करना है, नो पेमेंट, कोई पेमेंट जमा नहीं करना है। उसके बाद 25 साल कंप्लीट होंगे तो 25 साल कंप्लीट होने पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये आपको मिलेगा मैच्योरिटी पर।
अब ये कैसे निकालेंगे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो सम एश्योर्ड आपके बॉन्ड पर लिखा रहता है, बोनस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फाइनल एडिशन बोनस भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मिलाकर टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनता है 26,25,000, राइट? ये आपका क्या होगा, मैच्योरिटी अमाउंट होगा, मैच्योरिटी अमाउंट होगा ये आपका, ये आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। अब सर इसके साथ साथ इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आपका, जैसा मैंने आपको बताया था, लाइफ इंश्योरेंस, इस पॉलिसी में आपका 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा जो कि फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा और 25 साल तक चलता रहेगा। यानी कि इन बिटवीन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को 10 लाख जो भी इंश्योरेंस कवर है वो मिलेगा, प्लस जितना भी उनका बोनस वगैरह बना है वो पैसा उनको मिल जाएगा, राइट? दूसरा हमने बताया आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलेंगे आपको। तो गारंटेड रिटर्न कहां मिल रहे हैं आपको, ये मिल रहे हैं गारंटेड रिटर्न 26,25,000। अब गारंटेड हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में आपको सम एश्योर्ड गारंटेड होता है प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, राइट? बोनस कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है, ये आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैलकुलेट चेक कर सकते हैं और फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीज पूरी हो गई। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा 3 लाख का। यानी कि आज कस्टमर ने पॉलिसी ली है, राइट, 6 महीने के बाद जाके कस्टमर को फीवर हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है और हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट होना पड़ता है। वो हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे जाके वो एडमिट हो जाएगा, कम से कम 24 घंटे एडमिट होना जरूरी है, राइट? तो वहां पर उसका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस होगा, 3 लाख तक का उसको वो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, 3 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट वो हॉस्पिटल में ले सकता है, यानी कि कोई पैसा उसको नहीं पे करना पड़ेगा, राइट? अब इसमें हॉस्पिटल में क्या क्या चीज कवर होती है, पहला होता है दोस्तों, सबसे पहले आप कौन सा रूम ले सकते हो, सिंगल प्राइवेट एसी रूम, पहला आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा। दूसरा आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि 90 जो प्री होगा, प्री कितने दिन होगा, 60 डेज, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज और पोस्ट 90 डेज। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर उसने कोई दवाइयां ली हैं या कोई चेकअप उसके हुए हैं 60 दिन पहले तक के, तो वो भी उसका रिम्बर्स हो जाएगा, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 3 महीने बाद तक की जो भी दवाइयां चलेंगी उनका पैसा भी वो क्लेम कर सकता है, उसका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी पॉलिसी LIC में है, तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैं बता देता हूं ये पॉलिसी LIC में कैसे आप दे सकते हो। देखिए ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मैंने बनाई है कॉम्बिनेशन प्लान। कौन सा प्लान, कॉम्बिनेशन प्लान, इसमें हमने कॉम्बिनेशन दिया है, कॉम्बिनेशन। अच्छा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आप कस्टमर नहीं ढूंढ पाते हैं मार्केट में जाके, डोर टू डोर जाके रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना, आप चाहते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, जहां पर आप उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसको आप कहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन AMIT अमित TYAGI अमित त्यागी, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई होगा, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और यहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है।
राइट। अब आते हैं कॉम्बिनेशन, हमने ये कॉम्बिनेशन कौन सा बनाया। देखिए इसमें हमने प्लान दिया है 936 जीवन लाभ प्लस एक हमने मेडिक्लेम पॉलिसी दी है। आप जानते हैं ना, एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है और एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस से आपने 936 प्लान दिया और हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से आपने एक मेडिक्लेम पॉलिसी दी। ये दी हमने स्टार हेल्थ की यंग स्टार सिल्वर प्लान। कौन सा? स्टार हेल्थ यंग स्टार, राइट। स्टार हेल्थ यंग स्टार सिल्वर प्लान ये हमने प्लान दिया, राइट। अब जो प्रीमियम हमने बताया था आपको 52,442 का, ये कैसे आया? इसमें 48,000 का जो प्रीमियम है, यहां पर मैं लिख देता हूं, 48,000 का जो प्रीमियम है वो जीवन लाभ का है, 48,000 का प्रीमियम जीवन लाभ का है और 4,109 का प्रीमियम मेडिक्लेम पॉलिसी का। 48,333 प्लस 4,109 का प्रीमियम मेडिक्लेम का है, तो दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 52,442 का प्रीमियम बैठता है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर कस्टमर को कुछ नया देने की कोशिश कीजिए। अगर वही चीज पुरानी चीज देते रहेंगे तो कस्टमर का भी इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने में, ना ही वो लेना चाहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, ताकि वो भी समझ पाएं कि किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर MDRT COT TOT करें और वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।